हेलो सर, देखो बोलो। एक अपन ने सम किया था बहुत, मतलब स्टार्टिंग में। देखो एक बैच करके सम था, याद है स्टूडेंट का कुछ, किसका? तो बैच वाला बैच, हाँ तो ये दोनों का अलग अलग है क्या आउटपुट कि यहाँ पर हमको बैच देखना है? हाँ नहीं, यहाँ पर कैसा है ना, देखो 500 kg का एक बैच है, बराबर है। अच्छा हाँ, ये आउटपुट में हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो 100 kg के हिसाब से, नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया है एक बैच में 500 kg है, यानी कि हमें एक एक बैच के बराबर करना है, बराबर है। हाँ, हाँ अगर मान लो कि नीचे इन्फॉर्मेशन दिया होता कि दो बैच रेडी किया है, ठीक है, और बोला होता कि एक बैच में 500 है, तो मैं नीचे की क्वांटिटी 1000 मान के चलता। सर कैसे? फिर ये तो सम दोनों अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा ना। नहीं, अलग अलग क्यों करना है, नहीं, अलग नहीं। हमने क्वेश्चन समझो। देखो वहां पे लिखा हुआ है इन अ बैच, इन अ बैच का मतलब क्या है, एक बैच की बात कर रहा है, करेक्ट। तो एक बैच में 500 किलो है, राइट है। मैं सपोज करो हाँ वहां पे केमिकल लिखा डी। होता इन अ टू बैच 500 kg, सपोज, ठीक है, अच्छा, इसका मतलब एक बैच में 250 किलो बनता है, क्लियर है, हाँ बरोबर। अगर होता तो ना। अब अगर यहाँ पर 250 किलो में एक बैच बनता है तो ऊपर में 250 के हिसाब से ही करता है, यानी इसको मैं 250 के इक्वल करूंगा स्टैंडर्ड को, बात समझे। हाँ अच्छा ऐसा है, समझा अभी समझा। ठीक है, स्टार्ट करूँ, हो हाँ गया लिख के। हाँ हाँ सर, सर एक दिन पहले ही थोड़ा बता दिया करो कि क्या पढ़ाने वाले हो, तो कि रिवाइज मार ले हम लोग भी, आ क्योंकि तो अभी आज तो पढ़ने पहला नहीं दिन पता। ही स्टार्ट ही तो किया है, अगली बार से बता हाँ दूंगा। मैंने, ठीक है जस्ट, हाँ ठीक। चलो स्टार्ट करता हूँ। क्या बॉम्ब बारूद भरना पड़ता है ना। हाँ हाँ जितने लोग का नाम लिखा सब मरी रहे हैं। अपना भी क्या, आए हैं किसी दिन चले जाएंगे। जल्दी वो बंद कर, जा, म्यूट कर, म्यूट कर दो बोल इन दो लोग सर, को, पढ़ाओ पढ़ाओ सर, जाने की बड़ी जल्दी है उसको। म्यूट करो सबको। हाँ ये म्यूट वाले ठीक है। चलो जिसको डाउट रहेगा मैसेज करो। पहले स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड 100 kg के हिसाब से, और हमारा जो एक्चुअल दिया हुआ है, एक्चुअल दिया हुआ है एक बैच जिसमें 500 kg है, ठीक है ना। इसका मतलब स्टैंडर्ड 100 के हिसाब से है और ये इंफॉर्मेशन दिया है कितने के हिसाब से, 500, यानी कि ये 100 के हिसाब से और ये है 500 के हिसाब से, ठीक है। अगर सब में एक बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो हमें यहां पर स्टैंडर्ड एज पर एक्चुअल, यानी कि ये भी एक बैच के हिसाब से रेडी होगा और उस बैच में हम 500। सर हाँ सर सर, ये स्टैंडर्ड एफ पर एक्चुअल कब बनाते हैं, एक बार जरा बता दो ना। जब दोनों इक्वल नहीं होगा, देखो यहां पर कैसा है, ये 100 के हिसाब से हाँ और ये कितने के हिसाब से इक्वल ये 500 के हिसाब से है, नहीं है, नहीं है, ठीक में स्टैंडर्ड एज पर एक्चुअल बनेगा। पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, है ठीक सर, ठीक है ना। ठीक ठीक है सर। तो हमारे पास ए बी और सी, राइट, तीन मटेरियल है। इसमें इंफॉर्मेशन दिया ये 30 के हिसाब से है, ये 40 के है और ये 80 है, और एक्चुअल का इंफॉर्मेशन दिया है मटेरियल ए का इस 140, मटेरियल बी का 220 और मटेरियल सी का 440। 240। ओके, ये हो गया क्वांटिटी। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस दिया हुआ है, डायरेक्ट अमाउंट दे दिया इसका 588, 1056 एंड लास्ट आ गया हमारा 2860, राइट है। हाँ, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राइस डायरेक्टली दे दिया है
4, 5 and 6, ये हो गया प्राइस, ये हो गई क्वांटिटी। कॉस्ट निकालने की हमें जरूरत नहीं क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। ओके, अब हम दोनों को इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए हमें ध्यान में क्या रखना है, देखो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो है 100 केजी के हिसाब से, और एक्चुअल दिया हुआ है हमें 500 के हिसाब से। अब दोनों को इक्वल करना तो सिंपल है, एक्चुअल का जो भी आउटपुट है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड का आउटपुट, राइट है। तो एक्चुअल का दिया है 500, स्टैंडर्ड का दिया है 100, डिवाइड करने पे कितना आ गया 5, यानी कि दोनों में 5 का डिफरेंस है, यानी कि यहां पर 5 यूनिट ज्यादा लगा है उस पर्टिकुलर मटेरियल को बनाने के लिए। सो 5 × 30 तो ये आ जाएगा 150, 5 × 40 तो ये आ जाएगा कितना 200, और 5 × 80 400। किसको ये नहीं समझा, किसको ये नहीं समझा? समझा सर, क्लियर है, बराबर समझ गया। ओके, तो ये हमारा प्राइस आ गया, तो प्राइस आ इक्वल करने के लिए किया था, हाँ 4, 5, 6 इक्वल दोनों हो गया, यानी अब ये भी 500 के हिसाब से है और ये भी 500 के हिसाब से, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब इंटू कर लेते हैं, तो 150 × 4 इज 600, 200 × 5 इज 1000, और 400 × 6 2400, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी जो प्राइस दिया हुआ है उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 588 डिवाइडेड बाय 140 ये आ जाएगा 4.8, 6.5 फिर उसके बाद सर थर्ड वाला 0.5। ओके, ये हो गया हमारा क्या, अब ये दोनों को हमने इक्वल कर दिया है, यहां तक किसको डाउट है, दोनों का दोनों इक्वल हो गया, इक्वल हो गया तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, राइट है। चलो इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, एक बार हमारा स्टैंडर्ड एज पर एक्चुअल बन गया तो ये आपको देखना ही नहीं है, स्टैंडर्ड का जो इंफॉर्मेशन दिया है अब उसका कोई यूज नहीं होगा, राइट है, मिटा दो सर। हाँ मिटा दो, लिखेगा नहीं। फिर कोई धरती से मिटा देंगे। बस बस, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पहला फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ओके, मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा, सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर। चलो ठीक है, सॉल्व करो फिर मैं रिवाइज बता रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, देख लो अच्छे से। पहले ये टाइम हो गया सर, क्या हो गया, कोई टाइम नहीं हुआ है, 2 महीने छुट्टी भी था ना। हेलो सर। हाँ हाँ, ये हम यहाँ तक ये 3 कर देते हैं रिकंसीडरेशन पे, बाकी का यील्ड और वेरिएंस आप बाद में बताओगे? नहीं नहीं नहीं, अभी बताऊंगा, ये सॉल्व करोगे इसके बाद बताऊंगा मैं वो। हाँ वो ठीक है, ठीक है, तो 10 मिनट ठीक है, सॉल्व करके मुझे आंसर दे दो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ए आकाश मामू, आकाश को जाने देना, सम करना चुपचाप। ए पीएम केयर फंड के चोर विश्वास। कुंभकरण हिंदी बोली हिंदी बोली हिंदी बोली।
अंदर लेक्चर में तो देख कौन आया, कुंभकर्ण आया। सुनना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 504 एडवर्स आया क्या 504? हाँ बराबर बराबर किया क्या पहले? हाँ सर सामने बोले भाई कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, सब लिख के लेंगे। कौन सा शॉट? कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, सब लिख के लेंगे। हाँ भाई बराबर। पहले तू लिख रहा है क्या बेटा? सो हो गया तो घर पे बैठना है। नहीं तो होएगा क्या? ये तो घोड़े पे रे ए नालायक। अरे भाई एग्जाम एग्जाम नहीं, एग्जाम नहीं होगा, मत पढ़ो कोई भी यार। फालतू में नहीं रहेगा बे, पागल है। बंद कर ल्यू कर ल्यू कर चूरन दे रे उसने ल्यू कर। अरे लियो पत्ता सब झाड़ पे भाई, इधर कुछ नहीं है। दूसरा ना नको बोलतो अभ्यास कर रही, श्वेता बरोबर अभ्यास कर दो माकड़। श्वेता बरोबर नहीं ना, चंदन बरोबर। श्वेता इधर नहीं है, श्वेता गवर्नमेंट कॉलोनी में रहती है। ओके रितिकेश तू भी जा उधर। ओ रितिकेश रिमूव करूं मैं तुझे? आंसर बोलो। फर्स्ट का आंसर है 504 एडवर्स टोटल का। हाँ एडवर्स। नेक्स्ट सेकंड का है 204 एडवर्स। बहुत ज़्यादा फास्ट कर जीरो। 204 204। हाँ 204 लास्ट। हाँ और थर्ड 300 है एडवर्स है। तीसरी का आंसर 300 है ना सर? बच्चा कुछ समझ लो। अच्छा ये जीरो नहीं है ना? 304 नहीं है 360। स्टार्ट करूं मैं? हाँ सर। सर सबका आ गया ही आंसर? हाँ सर। मानसी? हाँ हो गया सर सही। अबे तू चंदन मानसी है क्या? अरे वो क्या है विराट का है वो समा भी ना वो मैं सोच रहा था उसामा बिन लादेन को पूछ रहे हो सर। सर बिन लादेन को तो अमेरिका उड़ा दी। सुष्मिता कहाँ पे? अच्छा वो जॉइन नहीं हुई ना सर उसको, कवरेज क्षेत्र से बाहर है। नहीं है सर जॉइन नहीं किया। आउट ऑफ रीच आउट ऑफ रीच। ओके रिवाइज क्वांटिटी बता रहा हूँ मैं कैसे निकलेगा। पहली चीज ये देखो तुमको दिमाग में क्लियर रखना है, तुमने अभी जो ये क्वांटिटी कैलकुलेट की है ना ये वाली राइट है, ये हमने क्यों किया था? दोनों को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए राइट है। इसको हम रिवाइज नहीं बोलते हैं, ये रिवाइज नहीं है, क्लियर बोल रहा हूँ मैं, इसको रिवाइज नहीं बोलते हैं ठीक है। पहले ये तीनों को प्लस कर देते हैं, ये तीनों का टोटल कितना आएगा? 467 800। और ये आ जाएगा कितना हमारा? 600 750 राइट। ओके देखो जब मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग उसके यूसेज के ऊपर मिक्स और एल निकालते राइट है,
राइट है। इसका मतलब उसका यूसेज मतलब यही तो यूज हुआ ना, ये क्वांटिटी तो यूज हुई है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? बात समझे? नहीं सर। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का जो सब वेरिएंस, सब वेरिएंस मतलब उसमें डिफरेंस आने का रीजन क्या है? उसमें डिफरेंस आने का रीजन है उसका मिक्स और उसका यील्ड। मिक्स मतलब क्वांटिटी मैंने मिक्स करने में ज्यादा या कम ज्यादा कर दिया, या तो फिर मैंने उसको वापस से यूज नहीं किया, रीयूज नहीं किया, यील्ड होता है, राइट है? तो उसके वजह से ये दोनों का डिफरेंस है 800 और 750। देखो ये भी 500 के बराबर है और ये भी 500 के बराबर है, लेकिन एक्चुअल में इस 500 के लिए 800 यूनिट जा रहा है और इस 500 के लिए 750 जा रहा है, राइट है? करेक्ट करेक्ट। बन उतना ही रहा है दोनों केस में, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है, इसी को हम बोलते हैं रिवाइज क्वांटिटी। क्लियर है? अच्छा ओके। तो अब रिवाइज क्वांटिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। तो रिवाइज क्वांटिटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो टोटल है डिवाइडेड बाय, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं, एक्चुअल का, यहाँ पे एक्चुअल लेंगे, तो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल, और इसको इनटू करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी के मटल के हिसाब से, यानी कि एक के हिसाब से। अभी अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो अपना स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है 800, तो 800 डिवाइडेड बाय 750, पहले ए की बात करते हैं फिर बी फिर सी, तो 800 डिवाइडेड बाय 750 इनटू, अगर भी तुम देखोगे यहाँ पे तो एक्चुअल में, सॉरी स्टैंडर्ड में कितना लगा हम लोग को, यहाँ पे लग गया 150, 200 और 400, राइट है? तो यहाँ पर ले लेंगे 150 इनटू करो 160, ये आ जाएगा 200 से 800 डिवाइड बाय 750 इनटू 400, ये कितना आता है सर? जब हम लोग पहले वाला कैलकुलेट कर रहे थे ना स्टैंडर्ड एज पर एक्चुअल, तभी हमने आउटपुट लिया था, करेक्ट? हाँ। और इस बार जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो वो थर्ड वाला बनाया था उसी का हम लोग यूजेज कर रहे हैं, करेक्ट? यस यस, क्वांटिटी ले रहे हैं। हाँ बराबर बराबर, समझ में कैलकुलेटर कितना आ रहा है? फॉर्मूला वही लगाना है जो था। तो पहला है हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिवाइज क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड रेट, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखना, मैं कल के लिए ऑलरेडी तुम्हें ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि कौन सा लेक्चर होगा, क्वेश्चंस भी भेज दूंगा, ठीक है ना? टुमारो 4 o'clock, सो एवरीवन ऑन बी टाइम, टाइम पे रहना, ओके? और ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर भेज देना। क्वेश्चन बताओ ना, ऊपर करो ना सर। सर लीव कर दी। अरे नहीं रे बुआ, ओके सर। अरे अटक गया सर। सर अटक गया। हाँ दिख रहा है। सर्जियो मार्टिना, अरे बाप रे। प्रोफेसर ओ कौन है ये सर? कौन है भाई? ये स्पेन से लाइव
वो भी प्रोफेसर आया है ये सारा पजामा मिल ला दी बेला चाओ बेला चाओ बड़ा गाना याद है नाचेगा ना अरे हो गया लिख के हाँ हाँ सर ये हो गया प्लीज यू टुमारो कल मिलते हैं सर एक नंबर चलो बाय 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 खुदा हाफिज तो इसी के साथ सब खत्म होते हुए हाँ सब खत्म होते हुए टाटा बाय बाय जा सकते घर पे किसको नहीं समझा तू घर जा बाहर होता है इसका कोई है किसको नहीं समझा नहीं समझा सर समझा सर समझिए ओके ओके भाई ओके भाई